चलिए क्लास स्टार्ट करें गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरी वन क्यू मेरा नाम नानकी पवेजा है रोज आप मुझे देख रहे हैं कभी एनसीईआरटीस पढ़ाते हुए कभी कंसेप्टोनॉमिक्स में कंसेप्ट क्लियर करते हुए अभी हम क्या कर रहे हैं अभी हम इकोनॉमी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मेंस 2022 के लिए इंपॉर्टेंट है एज वेल एज आंसर राइटिंग नो डिस्कस कर रहे हैं आंसर राइटिंग कभी भी किसी एक एग्जाम के लिए स्पेसिफिक नहीं होती कि मेंस 2022 के लिए हम अलग तरीके से आंसर लिखेंगे और ट्वेंटी ट्वेंटी के लिए अलग तरीके से सब टाइप के चाहे कोई सा भी आपका पेपर हो चाहे वो स्टेट पीसीएस हो या कोई सा भी ईयर का हो इवन फॉर 2024 दिस वीडियो इज रेलेवेंट क्योंकि आंसर राइटिंग के जो नो हैं ट्रिप टिप्स एंड टेक्निक्स हैं वो सेम ही रहने वाली हैं सो गुड इवनिंग टू ऑल दो स्टूडेंट्स हुआ प्रेजेंट एयर इट इज़ बलजीत अस्मिता इज देयर अस्मिता आई थिंक आप कल भी थे क्लास में मिस्टर जयसवाल इज देयर एंड देन देर इज अभिषेक देर इज रुकनी मोगला सबको बहुत ही बहुत ही ब्यूटीफुल एंड लवली गुड इवनिंग गुड टू सी कि आप लोग क्लास बहुत टाइम से ज्वाइन कर लेते हो तो स्टूडेंट्स ओके फाइन वॉट इट आई मैंने अभी तक आई आई एक्चुअली फॉर कि मैंने लेक्चर टू का शेयर नहीं किया है वहाँ पे पी थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मैं डेफिनेटली आज ही विदाउट फेल आई विल शेयर विद ऑल ऑफ यू सो ऑल दोज हु आस्क एस टू वॉट माई टेलीग्राम चैनल इज जिनको नहीं पता इट इज इकॉनमिक्स विज्ञान की जब हम लेक्चर खत्म करेंगे उधर आई विल शो यू एस टू हाउ डू यू हैव टू टाइप ऑन टेलीग्राम एस टू वॉट माई टेलीग्राम चैनल इज सो गुड इवनिंग वंस अगेन आज हमारा लेक्चर फाइव है इन दी मेन्ज हंड्रेड सीरीज अभी तक हम चार ब्रॉड पिलर्स ऑफ इकोनमी कवर कर चुके हैं जैसे फर्स्ट वाला था अभी टॉक्ड अबाउट एम्प्लॉयमेंट एंड स्टेट ऑफ इकोनॉमी पोस्ट कोविड की किस तरीके की दशा है क्या अच्छी बातें हैं क्या चीजें एक्सपोज हुई हैं व्हाट कैन बी डन देन वी टॉक्ड अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी एंड बैंकिंग एज वेल एज दी इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो टॉपिक थोड़ा सा रह गया था फिर हमने फिजिकल पॉलिसी एंड गवर्नमेंट बजटिंग की बात करी और कल हमने बात करी थी मतलब येस्ट वी टॉकड अबाउट एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ द कंट्री जहाँ पे हमने फॉरेक्स रिलेटेड बात करी देन स्लाइडिंग ऑफ इंडियन रुपी जो आर बी आई ने मेजर्स लिए उसके बारे में एंड ऑल्सो हमने एक फुल फ्लेडेड डिस्कशन किया था क्वेश्चन का भी कि किस तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप किस तरीके से उसका इंट्रोडक्शन लिख सकते हो बॉडी एंड कंक्लूजन ऑल्सो आई टोल्ड की भाई देर इज नो परफेक्ट वे ऑफ वन परफेक्ट आंसर कभी भी एक परफेक्ट आंसर नहीं होता बिकॉज मेन्स इज समथिंग विच इज वेरी सब्जेक्टिव ठीक है ना बस वॉट यू हैव टू मेक श्योर कि आपने मतलब जो क्वेश्चन में पूछा है वो वहां पर प्रॉपरली अड्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है विथ एडिकुएट फैक्ट एंड फिगर्स अगर ये हो रहा है देन योर आंसर इज सर्टनली दर्फेक्ट और द बेस्ट आउट ऑफ द लॉट ठीक है ना कल कुछ दो तीन बच्चों का मैसेज आया था कि मैम स्टडी आई क्यू जो हमारा लाइव फाउंडेशन बैच है उसमें आपका कूपन कोड कहाँ लगेगा सो फॉर ऑल दो स्टूडेंट जिनको क्वेरी uh, थी विद रिस्पेक्ट टू दैट सो वॉट यू हैव टू डू इज क्विकली वी विल गो थ्रू दैट एंड क्लास स्टार्ट करेंगे मोमेंट यू क्लिक बाय नाउ बाय ना जाके यहाँ पे जहाँ पे प्रोमो कोड है ना यहाँ पे आप लिखोगे यहाँ पे जाओगे

फिल अप दी डिटेल्स एंड अपने आप आपके सामने प्लान खुल जाएंगे क्रेडिट वाले की कितने मंथ्स की इंस्टॉलमेंट वाला प्लान चाहिए सो so, ऐसा नहीं है कि जो बच्चे इंस्टॉलमेंट में देंगे उनको स्लैश फीस नहीं मिलेगी डेफिनेटली द मोमेंट आप कोड नान की लाइव यूज करते हो तो आपकी फीस वहां पे भी स्लैश हो जाएगी आई होप अब आपको डाउट क्लियर हो गया होगा चलिए नाउ लेटर स्टार्ट विद द क्लास बट आपको कोड यहाँ पे देर आर अदर ऑप्शन दिखाया था नान की लाइव यूज करने से ही आपकी जो फीस है वो एटीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइनटी नाइन पे आएगी चलिए टॉपिक आज और कल मतलब आज तो हमारी पूरी क्लास वील टॉक अबाउट एग्रीकल्चर कल का भी हाफ ऑफ द क्लास जो है हमारा वी विल कवर एग्रीकल्चर एंड उसके बाद इंडस्ट्री या इंफ्रा में से हम uh, एक टॉपिक उठाएंगे सो so, आज और कल हाफ ऑफ दी कल क्लास जो होने वाली है दैट विल बी दैट विल ऑल्सो बी फ्रॉम दी एग्रीकल्चर अंकित कब पूरे हंड्रेड टॉपिक्स होंगे दैट विल ऑल डिपेंड अपॉन दी रिस्पेक्टिव फैकल्टीज शेड्यूल मेरी क्लासेज बाय ट्यूजडे और तक मेरा हो जाएगा and that is how जो respective faculties है, उन्होंने अपने, अपना जिनको जिस फैकल्टी को लगता है कि हमें पांच टॉपिक करवाने हैं है, तो उसके अकॉर्डिंग सो आई डू नॉट नो वेन इट इज एंडिंग बट प्रोबली वी आर ऑलमोस्ट इन दी मिडल ऑफ दंड्रेड ठीक है ना चलिए सो गुड गुड इवनिंग अगेन बहुत सारे बच्चों को गुड इवनिंग बोलना रह गया था बहुत बच्चे उसको दिल पे लगा के बैठ जाते हैं कि मैम आपने हमें तो गुड इवनिंग बोला नहीं सो अगेन गुड इवनिंग अ वेरी प्लेजेंट इवनिंग टू एवरी वन इज़ देयर नाउ लेट अस स्टार्ट विद दी विद द फुल एनर्जी एंड फुल जोश आर टॉपिक फॉर द डे पेन पेपर लेके बैठना है साथ साथ चीज़ें इंपॉर्टेंट लिखती जानी तो चार टॉपिक पे हम जाएंगे फर्स्ट इज द एग्रीकल्चर इन एग्री एक्सपोर्ट वीट एक्सपोर्ट बैन हमें पता है बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि यूक्रेन रशिया क्राइसिस के चक्कर में हमारी कंट्री ने क्या किया था वीट पे बैन लगा दिया था वीट के एक्सपोर्ट पे काफ़ी निंदा हुई थी इस चीज़ के लिए एंड काफ़ी हमारी uh, मतलब क्रिटिसाइज किया गया था हम इंटरनेशनल फ्रंट पे बट हमारे पास अपने ओन एजेंडाज़ हैं वी हैव टू फर्स्ट सी कि हमारी जो कंट्री की फूड सिक्योरिटी है दैट इज़ फर्स्ट वी हैव टू इंश्योर कि वो है कि नहीं है देन ऑब्वियसली हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हम दोनों चीज़ें पढ़ेंगे कि क्या हमारे लिए बोला मतलब क्या क्रिटिसाइज किया गया था एंड वॉट एक्चुअली हाउ डिड वी जस्टिफाई हमने क्यों ऐसा किया था एमएसपी कि है fine, but उसको एक legal right बना तो लीगल राइट right क्यों नहीं बनाना चाहिए उससे क्या नुकसान होंगे हम सिर्फ उतना सा वाला पोर्शन पढ़ेंगे कि अगर बाई चांस मान लो कि कोई आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है यू नो एज टू मतलब कि किस तरीके से अप्रोच करना है नहीं uh, आई डोट नॉट नो मिस्टर चौहान आपका नाम सेतु uh, कोई यूनिफॉर्म फॉर्मेट नहीं है बट येस इंट्रोडक्शन बॉडी एंड कंक्लूजन इंट्रोडक्शन आपको जैसे मैंने बताया क्या वर्ड लिमिट होनी चाहिए टाइम एंड अगेन आई कीप ऑन टॉकिंग बीच में भी जहां आंसर राइटिंग की बात आएगी डेफिनेटली आप जब मेरा सेशन अटेंड करोगे तो हम बीच-बीच में बात करते चलेंगे ठीक है चलिए सो फर्स्ट फर्स्ट टॉपिक जो हमारा आज का है एग्रीकल्चर इंडेब्टनेस मतलब कर्जा जो है ये क्यों चलता आ रहा है सदियों से ऐसा है कि एक विसेस साइकिल बन चुकी है कि इंडेब्टनेस की वजह से पावर्टी पावर्टी की वजह से इंडेब्टनेस मतलब जो किसान है वो कर्जे में ही क्यों पैदा होता है और कर्जे में ही क्यों उसकी जो है जीवन का अंत आ जाता है सो दैट इज वी हैव टू टॉक अबाउट आर द द एंड कैन गवर्नमेंट डू टू गेट फार्मर्स आउट ऑफ दिस ठीक है तो एग्रीकल्चर इंडेप ने सबसे पहले फैक्ट्स एंड फिगर्स क्योंकि हमें फैक्ट्स फिगर्स जब तक नहीं पता होंगे तो हमें ढांचा क्लियर हो ही नहीं सकता दिमाग में ठीक है सो सो आंध्रा एंड तेलंगना हैव दी हाईस्ट परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड अंडर डेट तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में जितने स्टेट है सबसे ज्यादा इनडेपनेस कहाँ है इट इज द आंध्रा एंड तेलंगना ऑल्सो वट यू नीड टू नो इज़ की जो फार्मर्स का कैटेगराइजेशन होता है स्मॉल मार्जिनल दार्ज फार्मर्स उसमें सबसे ज्यादा कौन से आई वेदर इट इज दी स्मॉल फार्मर जो सबसे ज्यादा इंडेबिटेड है कर्जे में है या इट इज दी मार्जिनल फार्मर्स क्योंकि और आपको लैंड होल्डिंग पैटर्न भी पता होना चाहिए क्योंकि कहा क्या है इंडिया का इंडिया का फिगर क्या है द मेजोरिटी ऑफ द फार्मर्स आर वॉट They are small and the marginal farmers who holds less than टू hectares of land दो हेक्टेयर से कम जिनकी लैंड होल्डिंग है मैक्सिमम फार्मर्स हमारे यहाँ वो अली कैटेगरी के हैं आई होप आपको ये फैक्ट पता होगा यस yes, वरुण बिल्कुल इंसेस्ट्रियल डेट हम इसके बारे में बिल्कुल बात करेंगे कि वन ऑफ द रीजन कि क्यों जो किसान है वो डेट में ही पैदा होता है और डेट में ही उसका जो जीवन का अंत हो जाता है कि कि वो पीछे से ही अच्छा question पूछा आपने कि कितने पॉइंट्स नेसेसरी है एक आंसर में सो so, मान लीजिए अगर इफ इट इज अ टेन मार्कर क्वेश्चन आपने चार सॉलिड पॉइंट्स लिख लिए। इट इज फॉर एवरी वन एवरी वन एज वी आर टॉकिंग अबाउट राइटिंग ऑल्सो इन बिटवीन इफ इट इज अ टेन मार्कर क्वेश्चन अगर दस मार्कर क्वेश्चन है बॉडी में बॉडी में वेन यू आर सब्सटैंशिएटिंग सबस्टेंशियटिंग डिमांड ऑफ द क्वेश्चन तो बॉडी में चार मेन पॉइंट्स चार सॉलिड फुल प्रूफ मेन पॉइंट्स लिख दो एंड यू आर सॉर्टेड आपको पाँचवा भी लिखने की जरूरत नहीं है आता है पाँचवा लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है बट फोर पॉइंट्स विच आर सब्सटैंशियल विच आ कॉन्क्रीट इफ यू हैव रिटन यू आर डन फॉर द आंसर प्रोवाइडेड आपका जो कंक्लूजन है कंक्लूजन है वो बहुत बढ़िया हो अगर अगर एक और तरीका भी हो सकता है कि अगर आप कोई फ्लो चार्ट या ऐसे डायग्राम के थ्रू या पिक्टोग्राफ के थ्रू बता रहे हैं तब आप छः सात पॉइंट्स भी लिख सकते हो क्योंकि वो काफी कम जगह कैप्चर करते हैं ठीक है ना कम जगह कैप्चर करते, करते हैं कम टाइम यूटिलाइज करते हैं क्योंकि हमें सिर्फ वर्ड लिमिट पर भी ध्यान नहीं देना है हमें साथ में अपने टाइम को भी तो सेव करना है ना आपको ये चीज़ सोच समझ के चलनी है कि सारे बीस के बीस क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने है ब्लैंक तो कोई छोड़ना ही नहीं है इसलिए हम ये सीरीज रन कर रहे हैं कि सामने क्वेश्चन आए एंड यू आर अटेम्प्टिंग दी क्वेश्चन ठीक है ना चलो सो यू आर टॉकिंग अबाउट फैक्ट्स एंड फिगर्स पता होने चाहिए कि आंध्र एंड तेलंगाना ऐसी स्टेट है जहाँ पे हाईएस्ट इंडेब्टेंट इंडेब्टनेस है फिर नियरली 64% ऑफ दी मार्जिनल फार्मर्स 64% ऑफ दी मार्जिनल फार्मर्स

कहीं ना कहीं यहाँ पे या कहीं ऐसे राइटिंग में काम आ जाएगा सो टेन थाउजेंड टू एटी वन सुसाइड वर रिपोर्टेड इन दी फार्मिंग सेक्टर 2019 में जो कि बहुत ज्यादा बढ़ गया अगर अच्छा क्या होता है स्टूडेंट्स ने सिर्फ लिखा है कि 58% परसेंट बढ़ गए हैं हमारे सुसाइड रेट्स, ठीक है ना अगर आपको एग्जैक्ट फिगर याद नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप एक आपको अगर याद हो कि मैम 52 था पता नहीं 50 तो अराउंड 50 कर सकते हो या मेजॉरिटी जैसे आपको समझ नहीं आपको याद नहीं है एग्जैक्ट कि हमारे जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उसमें से मतलब आउट ऑफ 100 परसेंट कितने परसेंट स्मॉल एंड मार्जिनल बट आप ये श्योर हो कि मेजोरिटी ऑफ दी फार्मर्स जो हमारे हैं वो स्मॉल एंड मार्जिनल की कैटेगरी में आते हैं तो कोई बात नहीं गलत फिगर मत लिख के आना वहां पे बस ये लिखाना कि मेजोरिटी ऑफ दी फार्मर्स इन इंडिया फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है कि फिफ्टी एट परसेंट सुसाइड बढ़ा है कि सिक्सटी परसेंट बड़ा है या सेवेंटी परसेंट बड़ा है तो अराउंड फिफ्टी परसेंट अराउंड करके वर्ड को मतलब एक कंपनसेटरी हो जाएगा कि ठीक है वी डू नॉट नो द एग्जैक्ट फिगर बट इट इस

काफ़ी एक कंसिस्टेंट पैटर्न मैंने ये देखा बच्चों ने कि आई नो आपको लग रहा होगा मैम क्लास क्यों नहीं बढ़ा रहे बट ये चीज़ें आपके साथ शेयर करना जरूरी है क्योंकि जब तक मैं आपको दूसरों की गलतियां नहीं बताऊंगी ना तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पे पिटफॉल्स हैं कहाँ पे गलतियां हो रही हैं जो हमें नहीं करनी है दैट इज़ वाई ये एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आपके साथ तो काफ़ी मैंने एक कंसिस्टेंटली एक चीज़ देखी कि बच्चे बुलेट पॉइंट्स में आंसर नहीं लिख रहे हैं पूरे पूरे पैराग्राफ्स बना के लिख रहे हैं और पता ही नहीं चल रहा कि पैराग्राफ चेंज कहाँ हो रहा है तो सबसे पहले तो इफ़ यू कैन अवॉइड व्हाट इज प्रेफर्ड प्रेफर्ड इज किया बुलेट पॉइंट्स में लिखो ना इफ इफ इट इज आस्किंग एज टू वॉट वट इज़ दी रीजनस फॉर एग्रीकल्चर इनडेबिटनेस आपको पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना है आपको डिवाइड करने बुलेट पॉइंट्स लिखो बुलेट पॉइंट्स लिखा वो भी क्रिस्प में में क्योंकि इसके आगे, आगे आप क्या करोगे इसके आगे आप सिर्फ अपना फैक्ट या परसेंटेज या नंबर लिखोगे इस तरीके से आंसर लिखना है बहुत ही छोटा क्रिस्टल क्लियर क्लीन प्रॉपर स्पेस होनी चाहिए इस तरीके से प्रेजेंट करना है आपको आंसर पैराग्राफ्स फॉर मी इज अग नो कि मैम करें कि नहीं करें सारे आंसर्स वैसे लिख दें या कुछ में बुलेट्स यूज कर लें नहीं ऐसे राइटिंग में पैराग्राफ में लिखना ना एंड ऑल्सो मैन आई टॉक अबाउट ऐसे राइटिंग ऑल्सो ऐसे राइटिंग में भी ट्राई है कि जो आपके पैराग्राफ्स हैं वो छोटे हैं बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स हु वुड वॉन्ट टू रीड आज मैं आपको दे दूँ कॉपी इवेल्युएट करने के लिए मन करेगा नहीं आप डेफिनेटली उस आंसर को प्रेफर करोगे आपकी आंखों के सामने जहां पे आपको स्कीमेटिक्स आपको डायग्राम्स आपको ये ऐसे ये चीजें सब पिक्टोग्राफ ये सब दिख रहे हैं आपको हाईलाइटेड है कि अच्छा इस फिगर पे मुझे फोकस करना है डेफिनेटली ना दो कॉपीज़ रखी हैं सो so, आपको भी यही इंप्रेशन छोड़ना है एग्जामिनर के ऊपर यस <coughs> uh, yes, uh,

वहां से उठाए हुए सो नाउ एक्चुअली काफ़ी हम लोग आंसर राइटिंग में चले गए थे लेट्स लेट्स क्विकली टेक फॉरवर्ड द क्लास एज टू वट आर द रीजन्स फॉर एग्रीकल्चर इनडेपनेस वरुण एक्चुअली हैज ऑलरेडी टोल्ड वन पॉइंट विच इज की एंसेस्ट्रल डेट मतलब पीछे से मतलब किसान जब मरता है तो वो ऑलरेडी डेट में मरता है आ, मतलब कर्जे में मरता है एंड दे पास ऑन द डेट वो डेट इट कीप्स ऑन गोइंग टू देयर सक्सेसर्स आल्सो राइट सो दैट इज दे इनहेरिट द डेट ठीक है ना प्रमेटिव टूल्स यूज करते हैं कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है फर्स्ट अब लेट्स नॉट गेट इन टू द रीजन कि स्मॉल लैंड होल्डिंग्स क्यों है या प्रिमेटिव वेज ऑफ फार्मिंग क्यों है हमारे को सिर्फ रीजन ऑफ इनडेपनेस बताने वो ये है कि भैया स्मॉल लैंड होल्डिंग है फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग है राइट right? <coughs> uh, जिसकी वजह से <clears throat> जो यील्ड है इट इज नॉट दैट गुड टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली नहीं वहां पे हार्वेस्टर कैसे लगाओगे छोटा सा लैंड है या कोई भी मॉडर्न इक्विपमेंट कैसे यूज करोगे बिकॉज लैंड साइज बहुत छोटा है दैट इज यील्ड बहुत कम आता है यील्ड कम आता है तो मार्केट में क्या बेचोगे उसमें से आदत तो वो खुद के लिए यूज कर लेते हैं खुद को खाने पीने के लिए भी तो चाहिए ना सो लो लेवल ऑफ रूरल इनकम प्लस अनसर्टन अनसर्टन क्यों क्योंकि मानसून डिपेंडेंट है हम मॉनसून डिपेंडेंट है कितना परसेंट इरिगेशन फेड एरिया है हमारा कूल टेल मी कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ द कंट्री इज डिपेंडेंट अपॉन इरिगेशन कितना परसेंट इरिगेशन डिपेंडेंट है बताइए चलो फिर टिल टाइम यू टेल मी दी परसेंटेज गूगल करोगे मुझे पता है गूगल करने वाले हो फटाफट की मैम पूछ रही है इरिगेशन एरिया चलो सो नेक्स्ट इज द प्रॉब्लम ऑफ इनहेरिटेड डेट नेक्स्ट इज पुअर क्रॉप इंश्योरेंस एंड डिले इन सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स हमारे यहाँ पे स्कीम्स है अब यहाँ पे कैसे आप सब्सटैशिएट करोगे सिर्फ इतना सा पॉइंट लिखना है यहाँ पे आप सिर्फ स्कीम का नाम लिख के आओगे दैट इज वॉट इसको लंबा लंबा नहीं समझाना है इतने पॉइंट्स सफिशेंट है वॉट हाउ विल यू सब्सटैशिएट इसकी आप इसके आगे इसके आगे नाम लिखोगे स्कीम का uh... शुभम नहीं फोर्टी थ्री नहीं है सत्यू क्या कर रहे हो यार बच्चों साहिल अभिजीत सबके नंबर गलत हैं तुम सबके नंबर गलत हैं क्या बात है मतलब यूपीएससी एसपेरेंट ओके ये तो बेसिक हम अब जोग्रफी में पढ़ लेते हैं इकॉनमी की तो सबको तकलीफ होती है सब कंप्लेन करते रहते हैं मैम इकॉनमी बहुत टफ लग रही है नहीं समझ आ रहा बहुत टेक्निकल है ओहो ये तो मैंने तुमसे जोग्रफी का फैक्ट पूछा है जोग्रफी तो ईजी है तो, तो सही बताओ येस एग्रीकल वार्ड मॉनसून डिपेंडेंट है हमारा राइट यस धारि स्कीम जो यहाँ लिखनी है इट इज दसल बीमा योजना प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री यहाँ पे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में लिखोगे की क्रॉप इंश्योरेंस पुअर है उसकी एक्सेसिबिलिटी पुअर है प्लस बहुत डिले है दो देर आर स्कीम्स बट दे देर इज डिले इन सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स तो भैया तब तक वो कहाँ से पैसा लाएगा नेक्स्ट बार उसको सो uh, करना है क्रॉप uh, <coughs> पेस्टिसाइड चाहिए फर्टिलाइजर चाहिए सबको चाहिए कहाँ से लाएगा कर्जे में जाएगा ऑब्वियसली बात है राइट अनक्लियर लैंड टाइटल्स एंड लॉन्ग पेंडिंग लिटिगेशन सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पे ये प्रॉब्लम थ्रू आउट चल रही है कि एक तो तारीख पे तारीख ठीक है ना मतलब सबसे पहले हमारे यहाँ लैंड टाइटल्स क्लियर नहीं है प्रॉपर डी मार्क डी मार्केशन नहीं है क्लियर लैंड टाइटल्स नहीं है और जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पट्टे पट्टे नहीं पता है कि कौन सा पट्टा किसके नाम पर है राइट ये पट्टा वर्ड ही तो यूज होता है अगर आपको पता हो गाँव में वो क्लियर नहीं है तो पंचायत के पास जाते हैं पहले तो आपस में बैठ के केस सुलझाते हैं फिर वहां पे नहीं तो फिर अब जब चला जाता है कोर्ट में केस कोर्ट में केस चला जाता है तो आप उस पर खेती थोड़ी कर सकते हो कि भैया कोर्ट में केस चल रहा है और उस पर आप खेती कर रहे हो और कमा रहे हो नहीं वहां पे लिटिगेशन चल रहे हैं वहां पर तारीख पे तारीख आ रही है तो वो लैंड जो पड़ा है वो एकदम आइडल पड़ा है इज ऑफ नो यूज़ एंड दैट इज वाई फार्मर जिसने कर्जा लिया था उस लैंड पे कहाँ से किस्तें चुकाएगा राइट ओके अभी तक बच्चे स्टिल दे आर कंफ्यूज अभिजीत साहिल 60 65 परसेंट नहीं है इट इज 48 परसेंट चलो 48 नहीं तो 49 हो गया होगा बट इट इज नेवर दी 60 परसेंट की हम लोग हमारा इतना इरिगेशन कहाँ डेवलप हो गया है भाई <coughs> चलो यस राजस्थान इज फुली डिपेंडेंट ऑन वेल्स चलो लास्ट इज द डिफेक्टिव मनी लेंडिंग सिस्टम हमारा मनी लेंडिंग सिस्टम हमें पता है कि फार्मर्स बैंक के पास दो रीजन है एक तो दे आर दे आर लिटिल एप्रीहेंसिव की वो जाते नहीं है क्योंकि लिटरेसी लेवल नहीं है इतना ज्यादा बैंक की एक्सेसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे हम क्या लिखेंगे अब देखो ये होता है तरीका आंसर लिखने का लेट सपोज हमने लिखा पॉइंट डिफेक्टिव मनी लेंडिंग सिस्टम डिफेक्टिव मनी लेंडिंग सिस्टम क्यों फर्स्ट इज तो बैंक्स एक्सेसिबिलिटी बैंक्स या पेनेट्रेशन लिख सकते हो ठीक है ना पेनेट्रेशन ऑफ बैंक्स ठीक है फिर उसके बाद क्या है फार्मर के पास क्या नहीं है गिरवी रखने के लिए कंगन नहीं है मूवी में कंगन रखती है ना एक वो बुजुर्ग माँ जिसका बेटा बीमार हो जाता है और जाके वो गिरवी में कंगन रख के आती है कि भाई मुझे थोड़े से पैसे दे दो तो जब किसान को भी लोन चाहिए तो उसके पास थोड़ी सोने के कंगन है उसके पास तो जमीन भी नहीं है बेचारा ऑलरेडी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है तो कहाँ से लाएंगे वो सोने के कंगन या कहा से लाएंगे वो जमीन सो देर इज एबसेंस एबसेंस या लैक ऑफ या देर लैक ऑफ है ना ठीक है एंड लास्ट इज द लास्ट पॉइंट इज कि भाई देर इज इनहिबिशन या फिर सिंपल लिख लो इनहिबिशन मत लिखो लो लिटरेसी लेवल देर इज लो लिटरेसी लेवल लो लिटरेसी लेवल सो मतलब लेस ऑफ दे डू नॉट गो टू फॉर्मल सेक्टर ऑफ लेंडिंग तो डिफेक्टिव मनी लेंडिंग सिस्टम लिख के तीन नीचे इस तरीके से कर सकते हो डिफेक्टिव एक मिनट एक मिनट सो so, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे डिफेक्टिव मनी लेंडिंग सिस्टम और तीन उसके पॉइंट्स बता दिए तो हो गया ना कॉम्प्रेहेंसिव कवरेज तो बस यही करके आना है हमको वहां पे आई आई समझ होप आपको ये चीजें ना जब आप अगली टाइम आंसर लिखोगे ना बेटा कॉपी में अपने घर पे जब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे इन चीजों को इनकलकेट करने की कोशिश करना चाहे कितनी भी देर लग रही हो आंसर लिखने में बट ट्राई अभी से ट्राई नहीं किया तो डू नॉट एक्सपेक्ट अकल की अचानक से जब मेन्स लिखने जाओगे तो अचानक से वहां पे आपको कुछ होगा और आपको ये सब बनाना आ जाएगा नहीं अभी से प्रैक्टिस करो जितने मर्जी आंसर लिखने लिख के मुझे भेजो टेलीग्राम पे मैं आपको फीडबैक प्रोवाइड करूंगी दैट इज दी बेस्ट आई कैन डू फॉर यू ठीक है यस दी लैक ऑफ अवेयरनेस जेरी बेरी सो दीज आर दी रीजन फॉर एग्रीकल्चर इनडेपनेस अब इसका इंपैक्ट क्या होता है सोसाइटी पे इम्पैक्ट क्या है हमारी इकोनमी में इम्पैक्ट पड़ना ज़रूरी है तो सबसे पहले विशेष साइकिल ऑफ रूरल पावर्टी कंटिन्यूज वही कि आप पैदा गरीब हुए थे आप मर भी गरीब रहे हो क्यों क्योंकि एंसेस्ट्रल डेट लेके पैदा हुए थे उसी को उतारने में आपकी ज़िंदगी निकल जाती है तो आप ग्रो कैसे करोगे देन इन लीड्स टू लेस इन्वेस्टमेंट इंडेबनस लीड्स टू लेस इन्वेस्टमेंट दस लीडिंग टू लेस मॉडर्नाइजेशन पहले ही जो पैसा कमा रहे हो उससे किश्तें उतार रहे हो उससे आप उसके ऊपर जितना इंटरेस्ट है वो दे रहे हो कहाँ से मॉडर्न मशीनरी अफोर्ड करोगे कैसे करोगे और जब ये सब होगा तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी क्यों आएगी जब उन्हें पता है कि इंडियन एग्रीकल्चर इज टैग्नेटिंग फॉर व्हाट्स एवर रीज़न हमें ये नहीं बताना हम ऑलरेडी बता चुके हैं इंडियन इंडियन एग्रीकल्चर स्टैगनेटिंग सो वाई दी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विल कम इन दी Uh, the rural sorry the agriculture sector to so, a core repercussion a core impact of agriculture indebtedness is that the private sectors do not want to or there's no willingness from the private sectors to come and uh, invest in the agriculture sector yes <clears throat> Chalo farmer often loses their lands to the money lenders. ठीक है एंड द लास्ट इज इंक्रीज इन फार्मा इंक्रीज इन फार्मा मत लिख के आ जाना यहाँ पे क्या लिखोगे यहाँ पे आप लिखोगे पॉइंट पॉइंट कहाँ से उठाना है पॉइंट उठाना है यहाँ से क्यों मैं इतनी स्लाइड्स बदल के इतनी मेहनत करके आप लोगों को बताती रहती हूँ कि प्लीज ये छोटी छोटी चीजें भी अगर आपने अपने आंसर राइटिंग में डाल ली ना बच्चों आपकी लाइफ सॉर्टेड है मेंस लिख के इंटरव्यू दे ही रहे हो श्योर आई कैन वाउच फॉर दैट बस ये छोटी छोटी चीजें किस तरीके से कहा आ गया यू आर सॉ फॉर मीन यू आर सिटिंग फॉर इंटरव्यू बी एड स्टेट का एग्जाम है या आपका यूपीएससी एग्जाम है ठीक है चलो सो वी हैव टॉक्ड अबाउट हमने बात कर ली इंपैक्ट ऑफ इनडेबिटनेस अब बात करेंगे हम क्या सोल्यूशन है क्या वे वर्ड है क्योंकि कंक्लूड करना answer, करने के लिए बहुत ही बढ़िया, मतलब हमें सोल्यूशन प्रोवाइड करना है गवर्नमेंट uh, को क्यों क्योंकि सोल्यूशन एंड यूलूशन देर आर एज आई सेट देर आर मल्टीपल वेज ऑफ कंक्लूडिंग दी आंसर्स तो उसमें से आप कुछ भी करके कुछ भी एक पॉइंट उठा के या दो पॉइंट्स को मिक्स करके आंसर आप कंक्लूड कर सकते हो चलो द फर्स्ट पॉइंट इज डाइवर्सिफाइंग दी सोर्स ऑफ इनकम किस तरीके से भाई हम कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर में कुछ ज्यादा बात नहीं बन रही है क्रॉप्स में डाइवर्सिफाई कर दो सोर्स ऑफ इनकम कैसे एनिमल हस्बेंड्री फिशरी सेक्टर सेरिकल्चर बी कीपिंग इन चीजों में लाइफ स्टॉक फार्मिंग जो होती है सो दीज आर हॉर्टिकल्चर हो गया सो दैट इज हाउ यू डाइवर्सिफाई दी इनकम भाई वहां पे पैसा नहीं है तो भाई पोल्ट्री फार्म डाल लो तो एटलीस्ट एक जगह तो आप सिक्योर रहोगे ना सो दैट इज हाउ द फार्मर्स कैन सेव दम सेल्फ फ्रॉम दिख

बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं व्हेन इट कम्स टू रूरल इकोनॉमी ऑफ द कंट्री क्यों क्योंकि वहां पे हमें कोई चाहिए फैसिलिटेटर जो गाइड कर सके बहुत सारे किसानों को पता ही नहीं होगा कि भाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी कुछ होती है या फर्टिलाइजर शॉप पे सस्ते में मिल रहा है धीरे धीरे पता चल जाएगा डेफिनेटली आई एम नॉट सेइंग कि कि नहीं पता चलेगा बट कोई फैसिलिटेटर चाहिए हु टेल देम भाई डू नॉट गेट एक्सप्लोयटेड बाई दिडलैन देर इज गवर्नमेंट बैंक जो आपको सब्सिडाइज रेट पे लोन दे रहा है आपको कई बार फार्म लोन वेवर्स भी मिलेंगे सो गो एंड टेक दोन्स फ्रॉम दीज सेक्टर्स और यूज दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ फर्टिलाइजर जिससे आपका लैंड है वो भी डिग्रेड नहीं होगा प्लस <coughs> आपका है वो भी अच्छा होगा तो ये कौन बताएगा उनको जाके स्कूल में थोड़ी बताएंगे वहां पे रोल आ जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का नेक्स्ट इज मेकिंग मनी मोर एक्सेसिबल कैसे यहां पर लिखोगे आप कोलेट्रल फ्री लोन्स आप कहोगे मैम को लेटरल फ्री लोन्स के भी अपने नुकसान है नहीं अभी हमें इतना आगे आगे नहीं जाना है तो आंसर कभी कंक्लूड ही नहीं कर पाओगे आप तो व्हाट यू विल से मे बी मे बी फॉर सम अमाउंट द गवर्नमेंट कैन एक्चुअली प्रोवाइड एक्सेस टू को फ्री लोन्स या फिर ऐसे देख सकते हैं कि जो फार्मर्स का पेमेंट सिस्टम मतलब उन्होंने बहुत टाइम से पेमेंट करी है उनको द बैंक्स कैन प्रोवाइड कोलेट्रल फ्री लोन्स इस तरीके से आप कंक्लूड करोगे आइदर मिक्सिंग ऑफ टू थ्री पॉइंट इट इज ऑन यू तो ये तीन चार पॉइंट है जिनको आप कंक्लूड करने के लिए यूज कर सकते हो चलो अब बताओ अब बताओ कोई कोई डाउट है कोई आंसर राइटिंग से रिलेटेड जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उससे रिलेटेड बताइए आई एम वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू टू रिस्पॉन्ड हेयर यस yes, uh, रोशन जैसे आप नाम ले रहे हो uh, निधि इन केरला एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है डेफिनेटली अगर आपको उस टाइम नाम याद आ रहा है किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप का जरूर लिखिए ना एग्जामिनर यही तो देखना चाहता है कि आप कितने अवेयर हो इस चीज को लेके यस कॉम्प्लेक्स लोन ग्रांटिंग प्रोसीजर तभी तो मैंने विशाल लिखा ना कि मेक मनी मोर एक्सेसिबल ये तो आप रीजन भी हो अभी हम तो बात कर रहे वे फॉरवर्ड सोल्यूशन की चलिए यस वरुण नेसेसरी लेजिसलेशन टू स्केल डाउन एनसेस्ट्रल डेट ऑफ दुअर फार्म इज वेरी गुड पॉइंट चलो बट उन्होंने काफी अच्छा पॉइंट बताया है काफी अच्छा पॉइंट बताया है उसको भी लिख लो सो देशन ने एनसेस्ट्रल डेट काफी अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट है

चलिए चलिए आई होप आई थिंक कोई भी डाउट नहीं है तो हम नया टॉपिक उठाते हैं आई जस्ट वेटिंग कि आपके कोई डाउट होगा तो उसको हम यहाँ पे ले लेंगे बट मोर मोवरऑल लेस हमने सारे पॉइंट कवर कर लिए हैं so, कोई डाउट भी नहीं आई डो नॉट थिंक सो है चलो नेक्स्ट टॉपिक दैट विल टॉक अबाउट इज द एग्री एक्सपोर्ट्स एग्री एक्सपोर्ट्स के बारे में क्यों बात कर रहे हैं क्योंकि एज आई सेड एग्रीकल्चर आपका मेन पिलर है चार क्वेश्चन आपके डेफिनेटली जी थ्री में एग्रीकल्चर से आ रहे हैं नाउ यू से मैम किस तरीके से सिलेबस को कंटेम्प्रेरी से लिंक करना है तो कंटेम्प्रेरी में क्या हुआ था बेटा कंटेम्प्रेरी में ऐसा हुआ था इंडिया में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स जो हैं टचड इट्स ऑल टाइम हिस्टोरिक हाई ऑफ यू एस डी फिफ्टी बिलियन डॉलर तो अब पढ़ना तो बनता है ना इसके बारे में कि भाई ऐसा क्या हो गया कि अचानक से जो हमारे एग्री एक्सपोर्ट है इट टच दी हिस्टोरिक हाई हो गया ना कनेक्ट कंटेम्प्रेरी जो आप कहते हो मैम करंट अफेयर्स को सिलेबस से लिंक कैसे करना है हो गया लिंक कि ये हुआ हमने देखा अच्छा ऐसा सा रिलेटेड टॉपिक हमारे सिलेबस में जी हाँ है बस अब इसको उठा के पढ़ डालेंगे सारी डायमेंशन से दैट इज वॉट इज लिंकिंग ऑफ योर करंट अफेयर्स विद योर सिलेबस आई होप इट इज लाउड एंड क्लियर टू एवरी चलो ठीक है आई डू नॉट नो बच्चे पूछ रहे हैं टेलीग्राम आई पहले मैं आपको टेलीग्राम आईडी बता देती हूँ क्योंकि अभी आप इसके बाद दस बार पूछने वाले हो एक बार में नोट कर लो इकोनॉमिक्स विद विध नानी आई डी पीडीएफ यहाँ पे शेयर करूंगी क्लास के बाद अब वापस मत पूछना मुझसे कि क्या आई डी है आई एम ऑल्सो फीलिंग एनरिच की अच्छा ये पॉइंट भी मैं डाल सकती थी विच इज वेरी गुड चलो एग्री एक्सपोर्ट्स के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं हमने ये रीजन देख लिया फटाफट कुछ 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 पॉइंट्स जो आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या रीजन थे या कौन से वो आइटम्स थे कमोडिटीज थी जो सबसे ज्यादा हमने एक्सपोर्ट करी है सो इफ वी टॉक अबाउट सो इफ वी टॉक अबाउट राइस शुगर एंड सीरियल प्लस दी मरीन प्रोडक्ट्स इसको हमने सबसे ज्यादा क्या किया है सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया आउट ऑफ दी ऑल दी आइटम्स दैट वी हैव एक्सपोर्टेड मरीन प्रोडक्ट्स प्लांटेशन क्रॉप्स राइस वीट शुगर एंड सीरियल्स इज समथिंग विच वी हैव एक्सपोर्टेड द हाईएस्ट आउट ऑफ ऑल दी एग्री कमोडिटीज ठीक है डेयरी प्रोडक्ट्स क्योंकि हम मिल्क के भी लार्जेस्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं तो हमारा जो मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स क्योंकि बार 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 हम कहते रहते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट्स को प्रोसेस करने की जरूरत है क्यों आई डू नॉट नो आप लोगों को कित, कितने बच्चों को पता होगा कि हमारे यहाँ पे मिल्क की बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है बट मिल्क क्या है एक पेरिशेबल कमोडिटी है सो so, गवर्नमेंट <coughs> क्या स्टेप्स ले रही है कि मिल्क को अगर आपको पता हो देर इज देर इज समथिंग विच इज कॉल्ड ड्राई मिल्क होता है तो मिल्क को पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो ठीक है ना सो दैट वी कैन एक्सपोर्ट इट क्योंकि बाहर की कंट्रीज में ड्राई मिल्क की बहुत ज्यादा डिमांड होती है द पाउडर्ड मिल्क ठीक है ना दैट इज वी हाउ वी एड वैल्यू टू दी प्रोडक्ट पेरिश होने से भी बच जाता है वो पेरिशेबिलिटी भी खत्म हो जाती है वी आर ऑल्सो अर्निंग इनकम बाय एक्सपोर्टिंग इट सो हमने वो ही किया तो डेयरी प्रोडक्ट ऑल्सो शोड अ जम्प ऑफ नाइनटी सिक्स परसेंट विच इज कमेंडेबल और आपको रीजन पता होना चाहिए क्यों क्योंकि हमने उसमें क्या किया था हमने प्रोसेसिंग करी थी मिल्क की हमने प्रोसेसिंग करी पाउडर्ड <coughs> मिल्क होता है टू ऑल दूस हु डू नॉट नो पाउडर मिल्क में उसको कन्वर्ट कर दिया था और बाहर की कंट्रीज में एज सेड बहुत ज्यादा डिमांड है चलो फिर इंडिया हैज बीन नेक्स्ट एक्सपोर्टर ऑफ एग्री प्रोडक्ट फ्रॉम द टाइम ऑफ मतलब हमेशा से सो फ्रॉम द टाइम हमेशा इट इज दी जब से हमारे कंट्री में एल पी जी रिफॉर्मस आए हैं अगर एक्सपोर्ट की बात करें विद रिस्पेक्ट टू एग्री कमोडिटीज तो आपको ये फैक्ट पता होना चाहिए कि इंडिया इज ई नेट एक्सपोर्टर ऑफ एग्री प्रोडक्ट्स फ्रॉम टाइम ऑफ एलपीजी रिफॉर्म उसके बाद काया पलट गई थी ग्रीन रेवोल्यूशन से हमने फर्स्ट कदम लिया था हमारा यील्ड बढ़ाने का और नाइनटीन नाइनटी वन के बाद जब हमारे देश के दरवाजे खुले तब से वी आर नेट एक्सपोर्टर तो दिस समथिंग विच यू शुड नो <clears throat> चलो पहले ही पॉइंट्स मतलब अभी हमने टॉपिक का जस्ट इंट्रोडक्शन देख रहे थे आप लोग तो भाई भा, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ा, पॉइंट्स लिखे जा रहे हो कोई कह रहे हैं कि आ, आ, दिस अमूल होना चाहिए सो वन पर्सन इज आस्किंग बाइक वी कैन नॉट कनेक्ट ई कॉमर्स टू दी फार्मर्स पेरिशिबिलिटी बेटा पेरिशिबिलिटी बहुत बड़ी चीज है दैट इज वेयर बार 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 अगर आपने देखा हो कि देर इज अ स्कीम ऑल्सो चलो एक क्वेश्चन सबसे आपसे पूछ लिया एक स्कीम गवर्नमेंट ने चलाई हुई है फॉर सेटिंग अप ऑफ द माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट वो कौन सी है तभी तो गवर्नमेंट कह रही है चेरीज so किसी हिल स्टेशन या एप्पल्स कोई हिल स्टेशन पे उगरे हैं वी कैन प्रोसेस जिससे उसकी लाइफ बढ़ जाएगी देन वी कैन इंटीग्रेट फार्मर्स ऑन दी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म विदाउट दैट विदाउट प्रोसेसिंग ऑफ द प्रोडक्ट नहीं हो पाएगा ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे नहीं हो पाएगा हमें क्या आदत है हमें फ्रेश मतलब हमारे पेरेंट्स तो ये जो आजकल ये होम डिलीवरी साइट्स हैं उससे भी सब्जियां मंगवाने को मना करते बिकॉज हमारी क्या साइकी है हमारे पेरेंट्स की हम जाके सुबह फ्रेश सब्जियां लेके आएंगे तो इट इज डिफिकल्ट कि ई कॉमर्स के थ्रू फार्मर्स कर पाए बट ये गोइंग फॉरवर्ड जब हम उसको प्रोसेस कर देंगे उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी देन इट वुड बी ईजी फॉर अस टू इंटीग्रेट ऑन दी ई कॉमर्स वेबसाइट आई होप मैंने आपका डाउट क्लियर किया हो ड हैव अ ड्राई मिल्क मार्केट बट नॉट दैट मच डिमांड इज देयर एज कम्पेयर टू दी वेस्टर्न कंट्रीज क्योंकि यहां जब मिल्क की डिमांड सॉरी मिल्क की सप्लाई इतनी अबंडस में है वाई डू वी नीड टू रिजोर्ट टू द ड्राई मिल्क बट येस डेफिनेटली होटल इंडस्ट्री में इफ यू सी तो वहां पे ड्राई जो पाउडर्ड मिल्क होता है यस yes, वहां पर यूज किया जाता है चलो धनिया इज दी साइकोलॉजी धनिया कैसे लेंगे ई e कॉमर्स पे अगर हमने uh, सब्जी ऑर्डर कर दी लौकी टिंडे और भरते तो हमें वहां धनिया कैसे मिलेगा बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया तो ये मिर्ची मिर्ची ऑल्सो सो चलो जोक्स अपार्ट कमिंग बैक टू द क्लास फ्रॉम धनिया एंड मिर्ची तो ऐसा क्या गवर्नमेंट ने चमत्कार किया कि हमारे जो जो एग्री एक्सपोर्ट्स हैं वो इतने ऊपर बढ़ गए हैं फर्स्ट वन इज दी एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी लेके आई थी गवर्नमेंट 2018 में तो एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी डेफिनेटली दैट हैज रीप्ड बेनिफिट्स एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी में हमने सबसे पहले क्या बात करी थी वी हैव टू डाइवर्सिफाई द एक्सपोर्ट बास्केट हमारे पहले लिमिटेड राइस व्हीट सीरियल्स पल्स ये सब हम एक्सपोर्ट करते थे बट दी एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी एक्चुअली

जब हमें एक्सपोर्ट करनी होती है कोई एग्री कमोडिटीज़ हमें सर्टिफिकेट चाहिए होता है क्योंकि बाहर की जो कंट्रीज है काफी फर्टिलाइजर यूज किया है कितना पेस्टिसाइड यूज है एक प्रोडक्ट को ग्रो करने में क्योंकि हर कंट्री का अलग अलग एक मेजर है कि भाई हमें इतने, मतलब हमें केमिकल फ्री प्रोडक्ट चाहिए या फर्टिलाइजर एक लिमिट के बाद मेजर्स फॉर दैट हमें सर्टिफिकेशन चाहिए होता है.

एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स चलाई है गवर्नमेंट ने लाइक अपीडा टी बोर्ड भैया टी बोर्ड पे प्रम्स पे क्वेश्चन ही आ गया इस बार कि क्या टी बोर्ड का बॉडी है कि क्या है तो काफी धमाकेदार पेपर था का, तो काफी गोइंग फॉरवर्ड जो 2023 वाले हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि क्या चल रहा है गवर्नमेंट कौन से कौन से एरियाज में स्टेप्स ले रही है और कॉन्स्टिट्यूएंस ऑफ कॉन्स्ट मतलब किस तरीके से कोई बॉडी कॉन्स्टिट्यूट कर रही है तो थोड़ा ध्यान देना काफी इस बार क्वेश्चंस आ गए थे चलिए एंड लास्ट इज डेफिनेटली गवर्नमेंट इज पेइंग टू 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 फॉर द फास्टर मोबिलिटी फास्टर ट्रांसपोर्टेशन एंड रिड्यूसिंग द फ्रेट कॉस्ट क्योंकि मैंने क्या बात करी थी लॉजिस्टिक्स एंड द फ्रेट कॉस्ट इज दॉरेंस टू एनी काइंड ऑफ एक्सपोर्ट इंडिया से जस्ट नॉट एग्री एक्सपोर्ट की बात कर रही हूँ कल भी आई आई डोंट रिमेंबर हम कहाँ का सप्लाई चैलेंजेस की बात कर रहे थे एक टॉपिक में तो कहाँ पे प्रॉब्लम आती है क्योंकि इंडिया का फ्रेट कॉस्ट बहुत ज्यादा है लॉजिस्टिक टर्न अराउंड टाइम बहुत ज्यादा है सो गवर्नमेंट इज एक्चुअली हैव टेकन स्टेप्स इज टेकिंग स्टेप्स टू एड्रेस दिस इशू तो गवर्नमेंट इनिशियटिव की वजह से इंडियन एक्सपोर्ट्स एग्री एक्सपोर्ट्स हैज टच इट्स हिस्टोरिक हाई ठीक है चलो नाउ वट इज सिग्निफिकेंस ऑफ एग्री एक्सपोर्ट्स भाई अगर एग्री एक्सपोर्ट बढ़ रहा है तो इससे क्या होगा सबसे पहले इट विल हेल्प द फार्मर्स टू डबल द इनकम ठीक है ना also, also, जो दो एम so, uh, uh, था द टारगेट बाईस 2022 ओनली कि भाई 2022 तक जो फार्मर्स की इनकम है डबल हो जानी चाहिए क्या हमने वो टारगेट अचीव किया नहीं हम वो टारगेट नहीं अचीव कर पाए सो कैन वी से ये एक प्रोस्पेक्टिव एरिया हो सकता है यह प्रोस्पेक्टिव थीम हो सकती है इस बार के मीन्स की बिल्कुल हो सकती है क्योंकि मे बी द एग्जामिनर वुड वांट टू नो कि ऐसा क्या हो गया व्हाट आर द रीजंस कि भाई वी फेल टू डबल द फार्मर्स इनकम तो आप सबसे सिर्फ एक पॉइंट नहीं लिख के हो गए की इट इज जस्ट द कोविड कोविड आया था दो साल लॉकडाउन था एंड बिकॉज ऑफ दैट द प्रोसेस गॉट डिलेड यू शुड ऑल्सो नो वट आर दी अदर रीजन्स जिसकी वजह से वी कूडेंट एक्चुअली डबल फार्मर्स इनकम इन ड्यू टाइम एंड इसका जो टाइम है टाइमलाइन है उसको शिफ्ट कर दी गई तो ये टॉपिक इजी है यू विल बी प्रिपेयरिंग ऑन योरसेल्फ ठीक है सिग्निफिकेंस <coughs> की बात कर रहे थे डबल होगी फार्मर्स इनकम क्योंकि हम डाइव, हम हमने क्या बात करी थी अब हमें डोमेस्टिक कंजम्पशन पे नहीं डिपेंड करना है वी आल्सो हैव टू फोकस ऑन द एक्सपोर्ट लेड मॉडल ऑफ डेवलपमेंट कल के ही क्लास में बात करी थी हमने एक्सपोर्ट लेड मॉडल ऑफ डेवलपमेंट क्योंकि कंजम्पशन डिमांड जो हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन है काइंड ऑफ सैचुरेट हो चुकी है ऐसा नहीं है एक एप्पल खाते तो हम दो एप्पल खाने लग जाएंगे क्योंकि हमें जीडीपी बढ़ानी है अब हमें कहाँ फोकस करना पड़ेगा हमें फोकस करना होगा अपने एक्सपोर्ट्स के ऊपर नितिन <coughs> 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 <nithin> ये तो आपको चिट्ठी लिखनी पड़ेगी <coughs> यूपी गवर्नमेंट को कि उन्होंने आज तक ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं बनाई टू हेल्प दी दी वो ये हमारा एजेंडा नहीं है इनफैक्ट ऐसे कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे कि वाई द गवर्नमेंट है पॉलिसी टू हेल्प दोटेटो फार्मर इसके लिए डेफिनेटली जब आप तभी तो आप ऑफिसर बनने वाले हो चिट्ठी लिखना जब बन जाओगे इनफैक्ट अभी भी आप लिख सकते हो कि भाई ऐसा क्या है जनता जवाब मांग रही है आप ये सब कर सकते हो चलो uh, uh, ज ऑफ दी विल ऑल्सो गेट रैशनलाइज बफर स्टोरेज कैसे रैशनलाइज होगा अभी हमारे पास इफ यू नो जो हमारे बफर स्टॉक्स है वहां पे जो चावल और जो

एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं तो हमें एक एक बैलेंस मेंटेन करना होगा जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम एक्सपोर्ट पे थोड़ा सा कर्टेल कर सकते हैं सो दैट विल आल्सो हेल्प अस टू रैशनलाइज बफर स्टोरेज आई होप समझ आ रही होंगी आपको चीजें कुछ टेक्निकल ये जो आप एक दिमाग में बना हुआ इकोनॉमी बहुत टेक्निकल है बहुत टेक्निकल है नहीं समझ आती आई डू नॉट थिंक सो अभी तक हमने कुछ ऐसा पढ़ा दिस इज सो दिस इज सो अबाउट द जनरल अवेयरनेस विच एवरी पर्सन इक्टिव ऑफ दूपीएससी दे रहे हो नहीं ये कॉमन प्रॉब्लम है कॉमन टॉपिक्स हैं विच आई थिंक एवरी वन शुड बी अवेयर ऑफ राइट इट विल ऑल्सो हेल्प इन डाइवर्सिफाइंग कल ही बात कर रहे थे कि एक्सपोर्ट अभी तक हम एक लिमिटेड चीज़ों का करते थे लाइक जेम्स एंड ज्वेलरी हैंडक्राफ्ट लेदर बट अगर हम एग्री एक्सपोर्ट प्रोसेस्ड गुड्स पर भी ध्यान दें तो हमारी जो एक्सपोर्ट बास्केट है दैट विल ऑल्सो गेट डाइवर्सिफाइड लीड्स टू इंप्लॉयमेंट जनरेशन लीड्स टू इंप्लॉयमेंट जनरेशन कैसे आपका हो गया मैम कल तो आप कह रहे थे कि एग्रीकल्चर सैचुरेट हो चुका है डिजगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है वहां पे तो आप अभी कह रहे हो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भाई इंप्लॉयमेंट जनरेशन तब होगा मैंने आपको बोला जब हम फूड को प्रोसेस करेंगे जब हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो माइक्रो अभी तक किसी ने बताया नहीं है बाय द वे मुझे कि माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए कौन सी स्कीम है गवर्नमेंट की किसी ने जवाब नहीं दिया वेरी गुड वेरी गुड मतलब कितने अच्छे से डॉज कर लिया आप सबने मुझे कि यार बताओ जल्दी से तो तो जब माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज लगेंगी तो वहां पे भी कोई चौकीदार रखेगा कोई कैशियर लगेगा कोई लेबर एम्प्लॉय होगी हो तो वहां पे एक नया एवेन्यू ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्रिएट हो जाएगा ठीक है इट विल हेल्प इन रिडक्शन पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कैसे क्यों अब हम फूड प्रोसेस करने लग गए हैं फूड प्रोसेस करने लग गए हैं हम एक्सपोर्ट करने लग गए हैं तो वो जो खेतों में पड़े पड़े चावल टमाटर आलू सड़ रहे हैं वो नहीं होगा क्यों क्योंकि इमिजिएटली जैसे ही बंपर क्रॉप सीजन है वी आर एक्सपोर्टिंग बाहर की कंट्रीज को और वी आर अर्निंग डॉलर तो उससे आप देखो ना कितना रिपल इफेक्ट क्रिएट होता है कनेक्टेड विद डॉलर इंडियन रुपी स्टेबिलाईजेशन एक्सपोर्ट करेंगे तो डॉलर आएगा डॉलर आएगा तो क्या होगा फॉरेक्स बैलेंस बढ़ेगा तो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी स्टेबलाइज करेगा तो हर चीज इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से एक भी सेक्टर अच्छे से परफॉर्म करता है तो उसका रिपल इफेक्ट क्रिएट होता है ऑन द अदर मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स ऑफ द कंट्री ठीक है यस इट इज किसान संपदा योजना वेरी गुड नितिन बाकी कोई ई मंडी कह रहा है कोई पता नहीं ब, आई डोट नॉट नो स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या कर रहे हो यार मतलब वॉट आर यू डूइंग इट इज इट इज येस विशाल आप बिल्कुल सही कह रहे हो सनराइज इंडस्ट्रीज हैं बट मैंने आप सबसे स्कीम का नाम पूछा था वाट इज द स्कीम विच द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड फॉर सेटिंग अप द माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इट इज दी इट इज द किसान संपदा योजना अच्छा सत्यूज बैंकिंग इकोनॉमी क्लियर नहीं हुई क्या चलो कोई बात नहीं उस पर फिर से मेहनत करेंगे फिर से क्लास ले लेंगे क्या हो गया एक क्लास एक्स्ट्रा का मौका दो और उसके बाद बताना कि आपसे क्लियर हुई है कि नहीं हुई है वी विल अगेन स्टार्ट दी बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी फ्रॉम दी स्क्रैच ठीक है चलो सो सिग्निफिकेंस ऑफ एग्री एक्सपोर्ट अब कंस्ट्रेंज क्या वट आर दीड्रेंस इन दी एग्री एक्सपोर्ट द फर्स्ट वन इज लैक ऑफ पोस्ट हार्वेस इंफ्रास्ट्रक्चर भाई हमारे पास प्रॉपर गोडाउंस नहीं है गोडाउन या वेयर हाउसेज हैं तो इट इज नॉट इन दीटी ऑफ एवरी स्मॉल डिस्ट्रिक्ट और एवरी स्मॉल विलेज ठीक है ना हर छोटे छोटे गाँव के पास विलेज सॉरी वेयर हाउसेज गोडाउंस गोदाम थोड़ी हैं तो उससे क्या हो रहा है पोस्ट हार्विस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई नहीं हुआ है ठीक है लो वैल्यू एडिशन वैल्यू एडिशन कैसे करते हैं जब हम एग्जाम्पल है व्हेन वी आर कन्वर्टिंग दी मिल्क इनटू ड्राई पाउडर पाउडर्ड मिल्क वी आर एडिंग वैल्यू टू दी प्रोडक्ट तो लो वैल्यू एडिशन है हमारा लो वैल्यू एडिशन है जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल हम uh, फ्रूट uh, को अगर जूस में कन्वर्ट कर देते हैं वी आर एडिंग वैल्यू टू इट वी आर इट्स शेल्फ लाइफ, वी आर एक्चुअली स्टॉपिंग कि वो पेरिश ना हो जाए इट कैन बी यूज अगेन इन द फ्यूचर तो हमारे कंट्री में लो वैल्यू एडिशन है गवर्नमेंट स्कीम लेके आई है किसान संपदा योजना टू एड और टू इम्प्रूव दिशा जो बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कोई सेज बोल रहा है कोई एफ एम ए बोल रहा है डू नॉट नो सनराइज इंडस्ट्री बोल रहा है <coughs> नहीं ये है आंसर फाइट्रोसेनेटरी मेजर्स जो हैं वेस्टर्न कंट्रीज के अगर आपको पता हो कुछ साल पहले इंडिया के जो हमारे रत्नागिरी एल्फेंजो मैंगो हैं आई डू नॉट रिमेम्बर कौन सी वेस्टर्न कंट्री थी मतलब यूरोप की कोई कंट्री थी यूरोपियन यूनियन की उन्होंने बैन लगा दिया था कि जो यहाँ के रत्नागिरी एल्फेंसोज हैं वो हम नहीं इंपोर्ट करेंगे क्योंकि उसमें जो फर्टिलाइजर लेवल है द यूज ऑफ फर्टिलाइजर इज वे टू हाई तो बैन लगा दिया गया था तो बाहर की जो कंट्रीज हैं दे आर वेरी स्ट्रिक्ट विद रिस्पेक्ट टू फाइटोसैनिटरी मेजर्स एंड दैट इज एक्चुअली अ कंस्ट्रेन फॉर आर एग्री एक्सपोर्ट डेवलपमेंट ठीक है to, uh, चलो किन्स अबड़ी एक्चुअली चेक कौन सी वो यूरोप uh, की कंट्री थी जिस जिसने हम पे बैन लगाया था विद रिस्पेक्ट टू दी एल्फेंजो मैंगो एक्सपोर्ट्स फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू दी फार्म लॉज काफी चर्चा में रहे हैं हमारे फार्म फार्म लॉ लॉज काफी प्रोटेस्ट हुआ है काफी लोगों की जान गई है तो इससे क्या होता है जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो प्राइवेट सेक्टर शाय अवे फ्रॉम इन्वेस्टिंग फ्रॉम फ्रॉम एक्चुअली क्रिएटिंग दी इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम पुटिंग इन दी मनी इन टू दी आगरी सेक्टर क्योंकि पता ही नहीं है कि कल को कोई नया लॉ या रेगुलेशन ले आए तो बस फिर गया सारा मतलब जो क्या कहते हैं गई भैंस पानी में लैक ऑफ़ ऑफ़ ट्रेनिंग लेवल लीड्स यूज़ फार्मर्स को हमने ग्रीन रेवोल्यूशन से फर्टिलाइजर यूज करने की आदत तो डाल दी थी उनको समझ आने लग गई कि फर्टिलाइजर डालूंगा तो जो क्रॉप है फटाफट ईल देगा फटाफट उग जाएगा बट वो इसका जो एक्चुअली रेप्रकाशन है इसका इन इफेक्ट है दे फेल टू अंडरस्टैंड कि इससे जो लैंड है वो डिग्रेड हो रहा है सो द फार्मर्स नीड टू बी एजुकेटेड किस लेवल तक हमको यूज करने हैं फर्टिलाइजर्स और किस कॉम्बिनेशन में यूज करने हैं फर्टिलाइजर्स सो दैट द लैंड का जो क्वालिटी है वो भी मैंटेन रहे लैंड का क्वालिटी मेंटेन रहे एज वेल एज जो यील्ड है वो भी अच्छा रहे एज वेल एज द क्रॉप ऑल्सो अधेयर टू दाइटोसेनेटरी मेजर्स आई एम नॉट श्योर नितिन कि इटली है कि क्या मेरे को सिर्फ इतना याद है कि यूरोपियन यूनियन में कोई एक पर्टिकुलर कंट्री आउट ऑफ दीज यूरोपियन कंट्रीज एक पर्टिकुलर कंट्री ने बैन लगा दिया था बट आई डू नॉट रिमेंबर एग्जैक्ट नेम होता तो या मैं आपको खुद ही बता देती भूल जाते हैं होती है फैकल्टी का भी एक लिमिटेड दिमाग ही तो होता है चलो स्मॉल लैंड होल्डिंग ऑब्वियसली स्मॉल लैंड होल्डिंग इज ऑल्सो क्यों क्योंकि इससे जो है यील्ड <coughs> पे फर्क पड़ता है ठीक है ना फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग है टेक्नोलॉजी नहीं यूज कर पाते दैट इज ऑल्सो सो काफी सारे पॉइंट जरूरी नहीं है सारे लिखने जो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है बस आप उसमें से चार या पांच मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट वहां लिखाना वॉट यू आर से राकेश कि भाई प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग येस ऑर्गेनिक फार्मिंग जब हम सोल्यूशंस की बात करेंगे वहां बात करेंगे कि येस वी कैन ऑल्सो प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑर्गेनिक टैगिंग एक्चुअली गवर्नमेंट ने <coughs> सर्टिफाइड अप्रोच है कि टू सर्टिफाई द प्रोडक्ट्स, द कमोडिटीज एज ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स सो दैट इट इज रेडिली एक्सेप्टेड बाहर के देशों में इजिली उसे एक्सेप्ट कर लिया जाए ठीक <coughs> है ओके सो सत्यू इज इट यूके ठीक है ओके सो इट वॉज यूरोपियन यूनियन अच्छा रोशन मतलब एंटायर यूरोपियन यूनियन एक्चुअली बैंड अल्फेन्जो मैंगो अच्छा ठीक है ठीक है सो आई विज आई थॉट कि एक पर्टिकुलर कोई कंट्री है जिन्होंने बैन किया था बट इफ इट इज द एज यू आर से आपके हाथ में तो यू इन यू पीपल पोजिशन टू टेल मी सो इफ इट इज दर यूरोपियन यूनियन तो डेफिनेटली तो उन्होंने हमारे जो मैंगो है उस पर लगा दिया था बिकॉज टू दाइटो सैनिटरी मेजर्स नाउ वॉट इज द वे फॉरवर्ड सोल्यूशन प्रोवाइड करना है नई संदीप इट वॉज न डेवलपमेंट ऑफ दोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रोसेस दी पेरिशेबल एंड एड वैल्यू यहाँ पे फिर स्कीम का नाम और ये एक ही स्कीम को हर जगह मत लिखते जाना दो तीन स्कीम्स के नाम याद करके जाने हैं हमको ठीक है एफर्ट्स ऑन रिड्यूसिंग फ्रेट एंड लॉजिस्टिक कॉस्ट ये गवर्नमेंट इज एक्चुअली एक्चुअली इस बार अगर आपने बजट पढ़ा होगा तो विद द हेल्प ऑफ रेलवेज गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग वॉट गवर्नमेंट इज अगेन फोकसिंग ऑन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ठीक है ना एंड कनेक्टिंग दोज डिस्ट्रिक्स विद दी रेलवे लाइन्स ठीक है ना सो दैट द मोमेंट मतलब हम स्पेशलाइज कर देंगे वन डिस्ट्रिक्ट को आई होप यू नो अबाउट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ओडीओपी राइट सो एंड देन व्हेन वी आर कनेक्टिंग इट विद दी रेलवे लाइंस तो वहां से जो मोबिलिटी है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है एक तो कम हो जाएगी प्लस कम्युनिकेशन जो है काफी फास्ट हो जाएगा

चलो वी यूर टॉकिंग अबाउट एमएसपी पॉलिसी को वी हैव टू मेक इट डब्ल्यू टी ओ कम्पलाइंट क्योंकि डब्ल्यू टी ओ में ऑलवेज इट इज इट इज अट इज समथिंग अ कंटेंशियस इशू जो डेवलप कंट्रीज वो कहती है कि जो इंडिया है द वे इट इज प्रोवाइडिंग दी सपोर्ट टू देयर फार्मर्स इट इज अ ट्रेड डिस्टॉर्टिंग प्रैक्टिस इससे उनके फार्मर्स को नुकसान हो रहा है सो वी हैव टू मेक आर एम एस पी पॉलिसी डब्ल्यू टी ओ के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग उसको कंप्लायट बनाना है

उसको एक मिल चुका है बट वेन इट कम्स टू दी क्रॉस बॉर्डर ट्रेड तो नहीं अभी भी पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड वैल्यू ऑफ दी आई टैग बट दी गवर्नमेंट इज एक्चुअली पुटिंग एफर्ट्स टू सो दैट एक्टिंग इसको रिकोगशन मिले कि ये yes, अगर किसी प्रोडक्ट को जी आई टैग मिल रहा है दैट मीन्स इट इज ऑथेंटिक एंड ये वो वहीं पर उस पर्टिकुलर एरिया में ही प्रोड्यूस हुआ है चलो ये टॉपिक भी खत्म हो गया कोई डाउट है चलें या नए टॉपिक पे स्टार्ट करें फटाफट से बताओ डन 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 यस आवीडन ये सारी बातें ठीक है आई 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 डू नॉट नो आपका नाम शायद मैं गलत बोल रही हूँ इट्स सेतु आई थिंक आई एम सॉरी फॉर हाउ आई कॉल्ड योर नेम आउट चलो सबसे पहले बताओ <coughs> कि डाउट है या वी स्टार्ट विद वी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग टू ट्रेस पास ठीक है ठीक है बिल्कुल समझ गई मैं बहुत अच्छे पॉइंट्स आप लोग शेयर कर रहे हो ऑल आई वॉन्ट टू आस्क कोई डाउट है तो बताओ अदरवाइज वी विल स्टार्ट विद द वीट एक्सपोर्ट बैन काफ़ी कंटेंशियस इशू रहा है काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक ये चला बिकॉज ऑफ द यूक्रेन रशिया एक्चुअली यूक्रेन रशिया क्राइसिस पे भी ऑल टुगेदर एक क्वेश्चन बन सकता है um, कि काफ़ी चीज़ें एक्सपोज करी है यूक्रेन रशिया क्राइसिस ने काफ़ी डीप लास्टिंग इंपैक्ट आया है वर्ल्ड इकोनॉमीज पे यूक्रेन रशिया बट यूक्रेन रशिया क्राइस क्राइसिस के बारे में अगर क्वेश्चन आएगा तो आई थिंक आपके वो जी में आएगा वेयर आई आर इज़ डेल्ट विथ बी एस थ्री में अगर क्वेश्चन आएगा अभी तो एक सब पार्ट बन के आएगा बट नॉट इन एंटायरिटी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा सर्टनली नहीं ऐसा नहीं होगा ठीक है चलो टॉकिंग अबाउट वीट एक्सपोर्ट बैन इंडिया ने रिसेंटली बोला कि भाई हमें अपनी फूड सिक्योरिटी देखनी है <coughs> अच्छा पहले पहले स्टोरी लाइन पहले स्टोरी लाइन डेवलप करेंगे दिमाग में इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट ठीक है ना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ध्यान रखिएगा लार्जेस्ट नॉट द लार्जेस्ट सेकेंड लार्जेस्ट मैंने क्या बोलता हूँस्ट तो टू बी वेरी प्रोसाइज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट है इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट ठीक है ना बट वेन वी टॉक अबाउट आर वी ऑल्सो एक्सपोर्टिंग ऑन दी ऑन दी सेकेंड हाइस्ट लेवल नहीं 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 इंडिया का शेयर वीट एक्सपोर्ट में इट इज जस्ट वन परसेंट जो वीट ट्रेड होता है पूरे वर्ल्ड में उसमें इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ वन परसेंट है इससे एक और फिगर याद आया एक फिगर और लिख लो जल्दी से कि एग्रीकल्चर का कॉन्ट्रीब्यूशन टू दी जी मतलब एग्री

का प्रोडक्शन हमारे इंडिया में वी आर सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बट व्हेन इट कम्स टू द ट्रेड तो सिर्फ हमारा एक परसेंट हिस्सा है तो तो मैं आपको ये क्यों ये पॉइंट बता रही हूँ कि जो हमारा क्रिटिसिज्म हुआ है कि भाई हमने एक्सपोर्ट बैन कर दिया था वीट का है ना सो इंडिया को एक्चुअली प्रोवाइड दी पॉइंट कि भाई हम वैसे भी कोई मेजर एक्सपोर्टर ऑफ वीट नहीं थे हमारा हिस्सा पूरे वीट ट्रेड में इट वाज जस्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल और नियर टू तो इवन इफ वी बैन द एक्सपोर्ट ऑफ दीट इट वुड हार्डली मेक अ डिफरेंस क्योंकि जो wheat में क्राइसिस चल रहा है इट इज बिकॉज ऑफ द रशिया बिकॉज रशिया इज द मेजर प्लेयर इन दी मार्केट हम तो कोई बहुत बड़े प्लेयर है ही नहीं है राइट right? सो so, ये एक स्टोरी लाइन सेट करिए आपके दिमाग में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कहां करते हैं वीट हम इट इज दी बांग्लादेश नेपाल एंड श्रीलंका दी दिस इज दी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सबसे ज्यादा बांग्लादेश फिर नेपाल एंड श्रीलंका आई होप ये चीज समझ आ गई हो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बट नॉट दी सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट के मामले में हम वीट में बहुत 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 पीछे हैं क्योंकि भैया हमें अपनी फूड सिक्योरिटी देखनी है हमारी हाफ ऑफ द कंट्री डिपेंड्स मतलब स्टेपल डाइट है हमारी कंट्री की सो यू हैव टू अंडरस्टैंड जो स्टोरी लाइन सेट करी थी कि भैया अगर हमने बैन कर भी दिया है ना बैन कर भी दिया है वीट का एक्सपोर्ट इट वुल हार्डली मेक अ डिफरेंस बिकॉज जस्ट वन परसेंट जस्ट वन परसेंट ऑफ अस वर इन एक्सपोर्ट मार्केट ठीक है चलो अब क्यों क्या रीजन दिए गवर्नमेंट ने कि भाई क्यों करना चाहिए <coughs> सबसे पहले तो हीट वेव्स आई थी लास्ट ईयर वेव्स की वजह से uh, जो क्रॉप है इट डिस्ट्रॉयड क्रॉप डिस्ट्रॉय हुआ देर वॉज नो गुड क्रॉप सीजन दैट इज एक तो पहले कम क्रॉप हुआ ठीक है ना तो हम उसको पहले अपने लिए बचाएंगे सब कहते हैं ना वो uh, वीर बी ट्रेवल इन एरोप्लेन ऑल्सो तो वो क्या होता है पहले खुद का मास्क पहने फिर दूसरों को पहनाए तो पहले हम खुद का तो देख ले गवर्नमेंट ऑब्वियसली पहले हम खुद को बचाएगी सो डिक्रीज इन दी प्रोडक्शन आफ्टर ही वे स्ट्रक कंट्री तो गवर्नमेंट को हुआ कि पहले वी नीड टू सिक्योर आर वी हैव टू इंश्योर आर ओन फूड सिक्योरिटी राइट कुछ प्रॉब्लम है क्या आई मीन I mean, काफी हलचल चल रही है चार्ट में um,

और जब प्राइस बढ़ जाएंगे ग्लोबल मार्केट वीट में पाएज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन नॉट नॉट द ओनली रीजन एक रीजन ये भी था कि भाई चाइना का जो होल्डिंग फैक्टर रीजन कि भाई एक्सपोर्ट पे बैन लगाया गया इम्पैक्ट क्या आया इसके ऊपर इंडिया की काफी निंदा करी गई ग्लोबल लेवल पे इंडिया हैज बीन क्रिटिसाइज फॉर फेलियर एज अ सॉफ्ट पावर ठीक है द द बैन एक्चुअली इंडियन ट्रेडर्स टू गेन फ्रॉम द ग्लोबल गेन भाई क्या कर दिया किस चीज से डिप्राइव कर दिया इट इज दी प्रॉफिट प्राइस बढ़े हुए थे ना मीट के तो अगर हम बेचते एक्सपोर्ट मतलब ग्लोबल मार्केट में तो इस टाइम क्या मिलता ज्यादा रोकड़ा मिलता ज्यादा पैसा मिलता लेकिन गवर्नमेंट ने काटा कैसे काटा कि भाई बैन लगा दिया ठीक है ना तो तो एक्चुअली द गवर्नमेंट डिप्राइव द ट्रेडर्स फ्रॉम टेकिंग द एक्स्ट्रा प्रॉफिट आउट ऑफ द मार्केट नेक्स्ट इज इट क्रिएटेड डेंट ऑन इंडिया इमेज एज अ रिलायबल सप्लायर इंडिया की इमेज पे काफी डीप डेंट है कि भाई हम इंडिया पे सप्लाई इंडिया पे रिलाई नहीं कर सकते हैं कि कोई मुसीबत आएगी तो इंडिया विल कम फॉरवर्ड एंड एंड हेल्प विल एक्चुअली फुलफिल दी सप्लाई सो इट एक्चुअली क्रिएटेड अ डेंट ऑन इंडिया इमेज ये आई आर के परस्पेक्टिव से है ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट इज फ्रॉम आई आर लिंक कहते हैं ना कि लिंकेज बहुत जरूरी है आपके अक्रॉस दी सब्जेक्ट्स ये दोनों पॉइंट्स आपके आई आर से उठाए हुए हैं इंटरनेशनल रिलेशन जीएसटू का जो पार्ट है आपका That is your how your answer will look holistic and multi मतलब मल्टी डाइमेंशनल कि भाई आपको पता है कि आई के की से बात करें जियोपॉलिटिक्स के परस्पेक्टिव से बात करें तो क्या प्रभाव पड़ेगा उसका इंडिया पे या क्या प्रभाव पड़ रहा है तो इंडिया की जो इमेज है दैट हैज वेंट फॉर अ टॉस इट 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 गेव अ सेंस ऑफ डीप रूटेड कस्टमर बायस इन दी ट्रेड पॉलिसी कि जो हमारी एग्री ट्रेड पॉलिसी है उस पर भी हमारे जो लूप हैं वो कहीं ना कहीं पता चले ठीक है चलो वीट इज नॉट यूज फॉर एथेनॉल ब्लेंडिंग अभी तो भाई चलो नाउ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड वे फॉरवर्ड इज इट इज द टाइम फॉर इंडिया टू लुक इन वर्स किस पे एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी को रिकंसिडर करने का टाइम आ गया है क्योंकि एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी इज की इंडिया किस तरीके से बाहर एक्सपोर्ट करेगी कितना Uh, हमारा जो बफर स्टॉक है क्या लेवल्स मेंटेन करना चाहती है क्योंकि एक तरफ तो हम बात कर रहे थे कि जो हमारा चावल है जो हमारा वीट है वो पड़े पड़े सड़ रहा है ठीक है ना क्योंकि हमारी जो बफर स्टॉक की लिमिट्स हमने क्रिएट करी हुई है जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट है वो कहीं ना कहीं उसमें फ्लॉज है नाउ इट इज दी हाई टाइम फॉर इंडिया टू लुक इन एंड टू चेक अबाउट इट्स एग्री पॉलिसी की व्हाट व्हाट फ्लॉज आर देयर सो दैट हमारा जो जो हमारा एक्सपोर्ट है दैट कैन बी रेक्टिफाइड द नेक्स्ट इज इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द फ्लक्चुएशंस हम क्या करेंगे वी नीड टू एलिमिनेट द मिडलमैन एट द सेम टाइम ब्रिंग द मंडी रिफॉर्म्स ऑल्सो एट द सेम टाइम वी नीड इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर किससे रिलेटेड वी नीड टू क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर ताकि जो वो पड़े पड़े सड़ रहा था ना सामान वो सड़े ना क्योंकि जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं उसकी जो शेल्फ लाइफ है उसको बढ़ा देगी तो वी नीड वी नीड इंफ्रास्ट्रक्चर इन दिस पर्टिकुलर डोमेन चलो बताओ कोई 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 दिक्कत है या फिर चले नेक्स्ट टॉपिक पे क्योंकि हमारे तीन टॉपिक हो गए हैं पूरे तीन टॉपिक हो गए हैं हमारे पूरे लास्ट टॉपिक बचा है कोई दिक्कत है कोई चीज पूछनी है तो बिल्कुल बेझिझक होकर पूछो फालतू की बात मत पूछना जो भी आपको लगता है रेलिवेंट है हमारी पढ़ाई से रिलेटेड डेफिनेटली आई एम मोर देन आई विल बी मोर देन हैप्पी टू एक्चुअली टेल यू दी वट एवर डाउट यू हैव चलो पूछो यस विशाल वी शुड टेक द फाइटोसेनेटरी मेजर्स सीरियसली टू यहाँ पे बट वी वी वो हम उसको उसमें यूज कर सकते थे आगरी ट्रेड एगरी एक्सपोर्ट पॉलिसी में बट विध रिस्पेक्ट टू वीट बैन इसमें फाइटोसेनेटरी मेजर्स इतना ज़्यादा रोल नहीं प्ले कर रहे थे रोल क्या प्ले कर रहा था कि हमारा जो बफ स्टॉक पॉलिसी है प्लस हमारी जो आगरी एक्सपोर्ट पॉलिसी है वो क्या कहती है सो फाइटोसेनेटरी मेजर्स यहाँ पे इज नॉट अ रेलिवेंट पॉइंट कहाँ पे वीट बैन वाले टॉपिक पे ठीक है चलो

यस मोर एग्रो प्रोडक्ट्स ठीक है राकेश बट अभी भी आप मतलब दिस इज व्हाट इज बीटिंग अराउंड दी बुश मैं कहती हूँ ना एकदम क्रिस्प इतने रेलेवेंट पॉइंट्स लिखो ये सारे जो आपके है, पॉइंट्स हैं दिस इज ऑल अराउंड दी पेरेफ्री व्हाट यू हैव टू राइट इज एकदम सब्सटैंटिव आपके पॉइंट्स होने चाहिए कि जो पूछा है उसको सब्सटैंशिएट कर रहे हैं तो एक जो आई डू नॉट रिमेंबर किसी ने बताया था ऊपर फाइटोसेनेटरी वाला पॉइंट आई दी नेम एंड ये वाला दीज आर नॉट दी मतलब एकदम टू दी बैंग बा, ऑन वाले पॉइंट्स नहीं है ये आ, <coughs> आ, ठीक है सो वी आर ऑल क्लियर सो एज व्लॉग्स माई परस्पेक्टिव टू सी वीट बैन इन दी वर्ल्ड अगेन इट्स इट्स समथिंग आई वुड से कि एक बैलेंस मतलब अगर हम इस पर इज दिस बोथ प्रोज एंड कॉन्स्टिट्यूट देर इज बोथ इज टू साइड ऑफ दिन राइट एट वन पॉइंट वी हैव टू सी कि भाई हमारे यहाँ पे फूड सिक्योरिटी मतलब जो है एकदम इंश्योर करनी चाहिए बट एट द सेम टाइम एक गलती जो इंडिया से उस टाइम हो गई थी कि बहुत सारे हमारे एक्सपोर्ट ग्रुप्स बाहर की कंट्रीज में गए हुए थे सम सम कुछ गुड नाइन कंट्रीज वेयर दे वर नेगोशिएटिंग दी वीट ट्रेड डील दैट शुड नॉट हैव एक्चुअली हैपेंड दैट टाइम ये हुआ था कि एक्चुअली देयर वाज देयर वाज एन एडिटोरियल आल्सो इन पेपर की व्हिच टॉकड अबाउट की एक तरफ तो आप वीट एक्सपोर्ट पे बैन लगा रहे हो और दूसरी तरफ आपने यहाँ से ग्रुप्स uh, भेजे हुए हैं फॉरेन कंट्रीज में टू नेगोशिएट विद रिस्पेक्ट टू दीट ट्रेड डील्स व्हाट डू यू एक्चुअली वांट दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी कॉन्ट्रोडिक्टी आप कह रहे हो हमारे पास सफिशियंट वीट नहीं है एंड द सेम टाइम आप वीट से रिलेटेड ट्रेड डील्स कर रहे हो सो दैट इज एक्चुअली वेयर इट वेंट रॉन्ग दैट वॉज मेयर अ को इंसिडेंस ऐसा नहीं है कि गवर्मेंट इज एक्चुअली प्लान ऑब्बियसली गर्मेंट ऑल्सो नोज इट वुड क्रिएट अ डेंट ऑन देर इमेज बट 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 दैट इज समथिंग वेयर वी एक्चुअली वेंट रॉन्ग सो दैट इज माई परस्पेक्टिव कि भाई ठीक है डेफिनेटली इफ वी आर लुकिंग इनवर्ड कि भाई वी हैव टू मेक श्योर हमारी फूड सिक्योरिटी शुड बी इंश्योर दैट इज फाइन बट इमीजिएट बैन विद टेकिंग दिस थिंग इन अकाउंट कि हमारा एक्सपोर्ट बैन करने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला सो आई होप आई होप आई अड्रेस योर डाउट चलिए सो कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक क्यों है कॉन्ट्रोवर्शियल कौन सा टॉपिक नहीं होता वीट बैन को भी तो आप कॉन्ट्रोवर्शियल बना सकते थे सो so, हमें एग्जाम परस्पेक्टिव से देखना है कि भाई अगर हम लीगलाइज कर देंगे एमएसपी तो हमारे ऊपर क्या दिक्कत आ जाए मतलब वॉट इज द इम्पैक्ट वाई वी शुड नॉट लीगलाइज एम एस पी सो वी नो एज टू वट एम एस पी मुझे लगता है मुझे इसकी हिस्ट्री और जोग्राफी बताने की जरूरत नहीं है ये स्लाइड पढ़ लेना क्या हिस्ट्री थी कब स्टार्ट हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन से स्टार्ट हुआ था एम एस पी सो दैट टू सपोर्ट दी फार्मर हमें मेन मुद्दे की बात क्या है ये सब आपको पता है हमें क्या हमें लीगलाइज अगर, अगर कर देते हैं MSP, तो क्या दिक्कत आएगी विल इट क्रिएट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट और इम्पैक्ट ऑन दी कंट्री सो द फर्स्ट पॉइंट इज ड्यूरिंग दंपर क्रॉप सीजन लीगलाइजिंग दी विल गो अगेंस्ट दमर्स क्यों हाउ इट विल गो अगेंस्ट दी फार्मर्स इज जो प्राइवेट पार्टीज हैं भाई बम्पर क्रॉप सीजन है बम्पर क्रॉप सीजन मतलब सप्लाई ज्यादा है चीजें कनेक्ट करो बम्पर क्रॉप सीजन मतलब सप्लाई ज्यादा बढ़ है सप्लाई ज्यादा है तो प्राइस क्या आएगा नीचे आएगा ठीक है ना रेडली अवेलेबल है चीज मार्केट में तो जो प्राइवेट पार्टी है प्राइवेट पार्टी है डू यू थिंक वो एमएसपी पे खरीदेगी क्यों खरीदेगी एमएसपी में जब मार्केट में वो कम प्राइस में मिल रहा है सो दैट इज विद वॉट विल गो अगेंस्ट दी फार्मर ओनली इफ वी लीगलाइज दी एमएसपी नेक्स्ट इज ड्यू टू गारंटीड एमएसपी फार्मर्स वुड शो मोर ऑफ राइस एंड वीट क्या करेंगे जिसपे एमएसपी मिल रही है भाई तेईस क्रॉप है जिसके ऊपर एमएसपी मिलती है उसमें से भी सबसे रेडली इट इज राइस एंड वीट तो फार्मर्स क्या करेंगे अभी हम क्या बात कर रहे थे वी नीड टू डाइवर्सिफाई आर एक्सपोर्ट बास्केट वी नीड टू डायवर्सीफाई दी एग्रीकल्चर बास्केट बट क्या करेंगे जिसपे एमएसपी मिल रही है उसी को ब्रिटिशर्स के टाइम भी तो ये होता था जो कमर्शियल क्रॉप्स थे सब वही क्योंकि उन्हें पता चलता कि इसमें पैसा है ब्रिटिशर्स को पता था एंड दैट इज वो बोलते थे ये कमाओ और दो बाकी हमें कुछ नहीं उगवाना है आपसे तभी तो फेमाइंस आए थे इंडिया में तो अगर हम अब ये कर देते तो फिर से यही होगा कुछ लिमिटेड क्रॉप्स उगाए जाएंगे बाकी क्रॉप्स को देखा नहीं जाएगा राइट नेक्स्ट इज ऑब्वियसली यू नो हाउ मच आई डोट नॉट नो एक देर इज अ स्टडी इन ऑर्डर टू हैव वन के जी ऑफ राइस आई डोट नॉट नो थाउजेंड लीटर्स ऑफ वाटर गेट्स वेस्टेड जस्ट टू हैव वन के जी ऑफ राइस राइट सो क्या होगा इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसिस बहुत ज्यादा होंगे इट विल एड टू द दिजिकल बर्डन किस तरीके से फिजिकल बर्डन क्यों भैया गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही गवर्नमेंट के यहाँ से तो आउटफ्लो है ना गवर्नमेंट सस्ते में प्रोक्योर कर रही है ठीक है सिर्फ इतना सा पॉइंट आपके सामने लिखा होता इट प्रमोट इन इक्वालिटी क्या आप मुझे नंबर देते आप कहते मैम तो आप ये समझाओ आपने क्या लिखा है मुझे हाउ डज इट प्रमोट इन इक्वालिटी तो जैसे ही जैसे ही मैंने जैसे ही मैंने ये नंबर यहाँ पे ये डिजिट दे दिया जैसे ही मैंने फैक्ट दे दिया फिगर दे दिया तो ओनली सिक्स परसेंट ऑफ दी फार्मर्स

तो एग्जामिनर भी तो वही है एग्जामिनर को आपको समझाना है चीजें और कैसे समझाओगे नाउ यू नो कि कैसे समझाना है एंड द लास्ट इज अनसस्टेनेबल फूड ग्रेन मैनेजमेंट पॉलिसी क्यों द सब्सिडीज एक्सट्रॉर्डनरी सब्सिडीज दे रहे हैं हमारा जो प्रोक्योरमेंट है प्रोक्योरमेंट प्लस दी बफर स्टॉक है हमारा प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है प्लस दी सब्सिडी बिल यू कैन एक्चुअली टॉक अबाउट दी सब्सिडी बिल हमारा सब्सिडी बिल दो लाख करोड़ का है वॉट इज इट कॉजिंग कॉजिंग दी फिजिकल डेफिसिट राइट फिजिकल डेफिसिट हो रहा है तो मतलब गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर वही वाली बात साइकिल स्टार्ट हो जाएगी सो दीज आर दंसर्न विद लीगलाइजिंग दी एमएसपी वी डो नॉट नीड टू नो मैजूम करके चल रही हूँ आपको पता है एमएसपी का हिस्ट्री क्या रहा है वॉट एम एस पी इज ऑल अबाउट हमने क्या देखा आज क्लास में कि अगर एमएसपी लीगलाइज कर जाते हैं सो व्हाट आर दी issues विद रिस्पेक्ट टू दैट ठीक है

एंड यू वांट टू सी कब आएगा इकॉनमी तो डेफिनेटली आप पूरा वो कैटलॉग देख सकते हैं कैलेंडर की इकोनॉमी की बारी कब आएगी कब आप मुझसे अपने डाउट्स लाइव वर्बली नॉट थ्रू दी चैट नॉट थ्रू दी चैट वर्बली पूछ पाओगे आपको मैंने पेमेंट मैकेजम भी बताया था स्टार्टिंग में जिन्होंने नहीं देखा आ, स्टार्ट करे वीडियो वहां पर मैं बताया था कि कहाँ पे कूपन कोड लगाना है एंड uh, किस तरीके से इंस्टॉलमेंट्स में ऑल्सो यू कैन पे वॉट यू हैव टू यूज इज द कोड नान की लाइव अगर आप स्लैश फीस पे करना चाहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज कहाँ पी डी एफ्स मिलेंगी तो पी डी एफ्स के लिए दिस इज द प्लेटफॉर्म वेयर यू विल फाइंड द पी डी एफ फॉर टूडे सेशन विच इज इकोनॉमिक्स विद नान की विच इज माई टेलीग्राम ग्रुप तो साइनिंग ऑफ फॉर द डे स्टेट यून फॉर टूमोरोज डिस्कशन जिसमें आधे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर द रेस्ट ऑफ इट विल बी अबाउट द इंडस्ट्री एंड इंफ्रा एंड गुड नाइट एंड बाय ऑल ऑफ यू